हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में इंडियन आर्मी के बारे में दोस्तों बात करेंगे, आपकी AARO अम्बाला भर्ती के बारे में। आपकी दोस्तों हाइट क्या होनी चाहिए, आपका वेट क्या होना चाहिए, आपको रनिंग के लिए दोस्तों कितना टाइम मिलेगा वहाँ पे, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आपके ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए AARO नेम अम्बाला, दोस्तों जो भर्ती है अम्बाला की है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए पोस्ट नेम में दोस्तों इसमें आपको GD कलर्क SKD ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है वो देखने को मिल सकती है आपकी बार। ओके, और फ्रेंड यहाँ पे देखिए कवर डिस्ट्रिक्ट, अगर आप दोस्तों अंबाला, केथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला एंड चंडीगढ़ से हो तो आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हो, इस भर्ती में आप हिस्सा ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 मार्च 2020 से दोस्तों ये फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए थे, जबकि लास्ट डेट है दोस्तों इसमें 26 अप्रैल की है। 13 मार्च से 26 अप्रैल के बीच में आप ये फॉर्म आराम से फिलअप कर सकते हो। एडमिट कार्ड डेट दोस्तों तब के जो एडमिट कार्ड हैं 27 अप्रैल को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 27 से लेके 11 मई तक आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने एडमिट कार्ड्स को। एंड फ्रेंड्स अभी देखिए भर्ती डेट 12 मई से 22 मई तक दोस्तों आपकी भर्ती चलेगी। ये वेन्यू देख लीजिए, तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यमुनानगर। दोस्तों जो भर्ती आपकी अम्बाला की यमुनानगर में होगी, तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम है वहाँ पे एक, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो भर्ती होनी है, यहाँ पे आपका मेडिकल होगा और वहाँ पे आपका फिजिकल होगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों नीचे आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कैटेगरीज, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप दोस्तों सोचते GD का फॉर्म भर रहे हो तो फ्रेंड्स आपकी एज स्टेटस तरह से 21 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन 10th पास आपके पास होनी चाहिए, 10th में आपके पास 45% मार्क्स होने अनिवार्य है और आपके हर सब्जेक्ट में 33% नंबर होने भी जरूरी है। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सोल्जर कलर के बारे में बात करें, आपकी जो एज लिमिट है दोस्तों फिर इस तरह से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, आपके पास प्लस टू पास होना अनिवार्य है, आपने साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी से भी कर रखी हो आपके पास प्लस टू पास होना अनिवार्य है, इसमें आपके 60% नंबर होने भी अनिवार्य है प्लस टू क्लास में, और आपके हर एक सब्जेक्ट में 50 नंबर होने भी बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी। ओके, अगर आपके सोल्जर टेक्निकल के बारे में बात करें, आपकी एज लिमिट है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फिर इस तरह से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए सोल्जर टेक्निकल के लिए, आपके पास प्लस टू पास होना अनिवार्य है, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी होना चाहिए, इस बात पे भी आप ध्यान दीजिएगा, और आपके पास दोस्तों इंग्लिश भी होना चाहिए, 50% नंबर आपके प्लस टू में होने चाहिए, आपके 40% नंबर हर एक सब्जेक्ट में होने भी अनिवार्य है। सोल्जर और फ्रेंड्स अगर हम बात करें सोल्जर ट्रेड्समैन के बारे में, आपकी जो दोस्तों एज लिमिट है इस तरह से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और आपके पास दोस्तों 8वीं पास या 10th पास होनी अनिवार्य है इसमें सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए। ओके, नीचे आइए। अगर आपके फ्रेंड्स में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूँ, सबसे पहले दोस्तों आपके में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जिसको हम रिस बोल देते हैं, ठीक है। फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, हाइट, चेस्ट, वेट बोलते हैं जिसको हम। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट सिंपल होता है आपका, इतना हार्ड नहीं होता है, ज्यादा हार्ड इसमें आपका फिजिकल होता है। स्टेज 1 के बारे में बात कीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अगर बारे में बात करें, आपकी दोस्तों 1.6 किलोमीटर आपकी रेस होती है, रनिंग होती है, जो कि 1600 मीटर होती है, ठीक है। जो कि आपको मान के चलिए आपको 5 या 5-10 मिनट में, मतलब 5 मिनट 10 सेकंड में आपको क्लियर करनी होती है। ओके, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फुल UPS जिसको हम दोस्तों बिम भी बोलते हैं, आपको वहाँ पे 10 बिम लगानी होती है, जिंग जिंग बैलेंस भी आपका होता है, 9 फिट जंप होता है आपका, लॉन्ग जंप जिसको बोलते हैं हम, ये आपका फिजिकल होता है दोस्तों जो आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रेस की अगर टाइमिंग के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 मिनट 30 सेकंड है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे, ये सिर्फ कहने के लिए होता है, लेकिन आपको कम से कम मान के चलिए आपकी जो तैयारी है दोस्तों 1600 मीटर रेस की 5 फुट 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड में आपकी तैयारी होनी चाहिए, 5:10, 5:20 के समथिंग होनी चाहिए आपकी तैयारी 1600 मीटर रेस की। आपकी दोस्तों कितनी तैयारी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, और फिर नीचे देखिए ग्रुप 1 में अगर आप दौड़ते हो आपको दोस्तों 60 नंबर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक आप रेस करते हो 48 नंबर मिलेंगे, अगर आप 5:45 तक रेस लगाते हो आपको फेल कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, आपको वहाँ पे भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप 5:45 तक रेस क्लियर करते हो। तो ध्यान दीजिएगा इसमें रेस काफी हार्ड मानी जाती है और हार्ड होती भी है, तो अपनी तैयारी को मेंटेन करके रखिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। और दोस्तों जो भी GD से बिलोंग करते हैं, जो भी मतलब GD का फॉर्म भरेंगे ना स्टूडेंट दोस्तों, आपका जो फिजिकल होता है इसमें आपका 100 नंबर का फिजिकल होता है, 100 नंबर का,
और आपके मान लीजिए यहाँ पे 60 नंबर के आपका फिजिकल ये होता है क्या कहते हैं जबकि रेस होती है, और 40 नंबर के आपके ही जो बीम होते हैं ये होते हैं ओके, इसको हम बीम लगाते हैं। अगर आप दोस्तों 10 बीम लगाते हो आपको 40 नंबर मिलेंगे, अगर 9 बीम लगाते हो आपको 33 नंबर मिलेंगे, अगर आप 8 लगाते हो आपको 27 नंबर मिलेंगे, अगर आप 7 बीम लगाते हो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप 6 बीम लगाते हो वहाँ पे आपको 16 नंबर मिल जाएंगे वहाँ पे आराम से ठीक है। तो ये भी आपके बहुत अहमियत रखते हैं बीम, जो उसको हम पुल यूपीएस बोल देते हैं, या फिर आपको बीम लगाते हो ना आप घर पे वही होते हैं ये। जिंग जिंग बैलेंस जो आपका ओनली क्वालिफाई होता है, नो फिट डिस जंप है दोस्तों, जो आपका लॉन्ग जंप होता है वहाँ पे वो भी आपका ओनली क्वालिफाई नेचर होता है। जिंग जेंग बैलेंस भी आपका ओनली क्वालिफाई करना होता है, उसके आपके कोई नंबर नहीं मिलता। कई स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि हमें उनके भी नंबर मिलते हैं, नहीं, लॉन्ग जंप और बैलेंस का आपको कोई नंबर नहीं मिलता है, नंबर आपको बीम का मिलता है और रेस का मिलता है, जो कि आपका पूरा टोटली अगर देखा जाए आपके 100 नंबर वहां पे मिल जाते हैं आपको अगर आप अच्छी रेस करते हो तो ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में दोस्तों बात करूँ, यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम हाइट चेस्ट वेट दोस्तों, जो आपका वेट है इसमें कम से कम मान के चलिए आपका 50 किलो वेट आपके में होना चाहिए, 50 kg, 50 kg से अगर आपके में कम वेट है, 50 kg से कम आपके में अगर वेट है तो आपको उस भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा, 50+ हो चल जाएगा, 50 से कम नहीं होना चाहिए ठीक है। अगर आप सोच रहे जीडी का फॉर्म भर रहे हो, आपकी जो हाइट है 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपकी जो चेस्ट है दोस्तों 77 से 82 के बीच में आपकी होनी चाहिए, 77 बिना फुलाए 82 फुला के 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए ठीक है। और सोल्जर कलर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, आप देखिए आपकी जो हाइट है दोस्तों 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि चेस्ट है दोस्तों 77 से 82 के बीच में होनी चाहिए, जो आपका वेट है फ्रेंड्स 50 kg होना चाहिए, ये सब में बराबर है आप देख लीजिएगा ठीक है। ज्यादा इसमें सोल्जर जीडी और कलर के बारे में बताना था मैंने बता दिया है, और सब बाकी सब ऐसे ही है ठीक है। आपका बस ध्यान देना है आपका अपने वेट ज्यादा ना हो और वेट कम भी ना हो, आपका वेट 50 और 70 के बीच में होना चाहिए कम से कम ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेडिकल टेस्ट दोस्तों, लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होता है, इसमें आपको कुछ भी मेडिकल में प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर मेडिकल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनानी हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा। आपको मेडिकल के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कुछ भी बात पूछनी हो उसके जॉब के बारे में या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, आपको कुछ भी डाउट लगे कुछ भी आपको पूछना हो आर्मी के बारे में फिर किसी भी डिफेंस जॉब के बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा फ्रेंड्स ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आपको दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।